अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ इस स्वेटर का जो हम स्वेटर बना रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये चारों पल्लों के बारे में बताया कि किस तरह बनाना है तो अब हम सेकंड पार्ट में इसका गला बनाएंगे और इनको जोड़ेंगे किस तरह जोड़ना है तो देखिए हमने जो ये स्वेटर बनाया है वो हमने सिर्फ इसके जो बॉर्डर हैं वो दस नंबर से बनाए हैं और ऊपर के हमने जो डिज़ाइन डाला है वो पूरा स्वेटर बाक़ी नौ नंबर से बनाया है तब तो हम क्या करेंगे दस नंबर की सिलाई लेंगे और आपने क्या करना है वो देख लीजिए तो दस नंबर की सिलाई में आपने सबसे पहले तो बाजू को डाल लेंगे और एक कलर लेंगे जो हमारा बॉर्डर में लगा हुआ है चाहे आप बाजू ले लीजिए चाहे आप पल्ला ले लीजिए पहले कोई भी चीज़ ले लीजिए चलिए हम पल्ला ले लेते हैं पहले तो पल्ले में हमारे यहाँ पे टोटल जो तेईस फंदे हैं तो तेईस फंदों को हमने यहाँ देख लीजिए तेईस फंदों को हमने सीधा सीधा बनाते जाना पहले तेईस फंदे मेरे इसमें हैं और तेईस फंदे उस तरफ हैं तो इस तरीके से आप चाहे बाजू ले लीजिए पहले चलिए मैं बाजू ही ले लेती हूँ क्योंकि मेरा धागा ये ब्लैक कलर का इसमें लगा हुआ है इसी को ले लेती हूँ और ये वाइट कलर का धागा तोड़ लेंगे हम मैंने बाजू ले ली है और वाइट कलर का धागा तोड़ लेंगे इसको थोड़ा सा लंबा तोड़िए ताकि बाद में फिनिशिंग आ में आ जाएगा अब दस नंबर से गला बनाऊंगी तो दस नंबर से देखिए बाजू को पहले सीधा सीधा हम पहली सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे ये देखिए अब हमने ये बाजू के जो सॉरी पंद्रह फंदे हैं इनको सीधा सीधा बना लेना है ये मैं सीधे सीधे बना लेती हूँ पंद्रह फंदे तो देखिए पंद्रह फंदे मैंने बना लिए अब हमने बाजू के फंदे बना के अब देखिए आपने पल्ला ले लेना है कोई भी पल्ला डाल लीजिए सीधी तरफ का उल्टी तरफ का क्योंकि इसमें आपका डिज़ाइन दोनों में सेम है तो देखिए एक पल्ला ले लेंगे बाजू के बाद पल्ला डाल रही हूँ तो इस तरीके से आपने यहाँ थोड़ा सा टाइट हाथ रखेंगे क्योंकि पहला फंदा थोड़ा लूज़ आएगा तो इसको टाइट कर लीजिए इस तरह से खींच के धागा ये देखिए खींच लीजिए और इसको भी जो पल्ले के फंदे हैं हमारे और पल्ले के फंदे हमारे यहाँ तेईस के करीब है देखिए यहाँ से गिन लेते हैं एक बार तीन चार छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और एक तेईस तो देखिए तेईस फंदे हमारे इसके और पंद्रह फंदे इसके अब हम बाजू डाल के पल्ला डाला और पल्ले के बाद फिर हमने बाजू डालनी है और बाजू के बाद फिर पल्ला डालेंगे मतलब चारों पल्ले हमारे इसी तरह से हमने बस आपने पहला फंदा जब बनाना है ना थोड़ा सा टाइट रखी याद तो देखिए ये कितना लूज़ आ रहा है इसको हम इस तरीके से बिल्कुल ही टाइट कर लेंगे क्योंकि ये फंदा थोड़ा सा टाइट बनाएंगे और बाकी के पंदे भी बनाते जाएंगे ये बाजू डाल रही हूँ पल्ले के बाद तो इसको भी हमने बना लेना है पंद्रह फंदों को बाजू के तो देखिए मैंने चारों पल्लों को इस तरीके से सीधा सीधा बना लिया क्योंकि हमने पल्लों को सीधी तरफ से डाला है और ध्यान रखें कि आपने चारों पल्लों को सीधी सीधी तरफ से डाल लेना है इस तरीके से जहाँ से आपका डिज़ाइन दिख रहा है और यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपके फंदे आप गिन लीजिए क्योंकि मेरे पास यहाँ टोटल जो फंदे हैं वो मेरे बाजू के पंद्रह पंद्रह मतलब तीस फंदे हो गए और तेईस तेईस फंदे मेरे गले के मतलब दोनों पार्ट्स के हैं तो फ्रंट और बैक के तो छियालीस और तीस फंदे टोटल हमारे छियालीस और तीस फंदे शायद सेवेंटी सिक्स पंदे हो गए तो यस सेवनटी सिक्स फंदे हो गए तो सेवनटी सिक्स तो मैं दस नंबर की सिलाई में बनाऊंगी तो ये ठीक फंदे हैं तो मुझे इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है तो अगर आप जैसे किसी की बच्चे की और की बना रहे हों तो आप उल्टी सिलाई में यहाँ से फंदे कम कर सकते हो तो अब देखिए अब हमने कुछ नहीं करना इसके अंदर अब आपने ब्लैक कलर से सेवनटी सिक्स फंदों को एक फंदा उतार लेंगे पहले वाला और धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे और अगले फंदे को उल्टा बनाएंगे ऐसे हमने बॉर्डर डालना है इसके अंदर जैसा बॉर्डर हमने अपने बॉर्डर में डाला है मतलब स्वेटर के बॉर्डर में नीचे डाला है वही बॉर्डर आपने सेवेंटी सिक्स फंदों में डालना है और सिलाई मैंने यहाँ दस नंबर की इसलिए लगाई है क्योंकि गला थोड़ा सा ढीला ना बने थोड़ा सा टाइट गला बने मतलब सेवेंटी सिक्स बहुत है फंदे तो मैं नहीं घटाऊंगी तो मैं इनको सारे फंदों को उल्टी सिलाई में एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा बनाऊंगी और इसको मैं कम से कम दोनों तरफ से बनाती ही चली जाऊंगी दस नंबर की सिलाई से ये देखिए इस तरह से आपने सीधा उल्टा बनाते जाना है यहाँ से बस ध्यान आप ये रखिए कि आपने पल्ले ठीक ढंग से डाली एक सिलाई के अंदर अगर बाजू डाली है उसके बाद आप पल्ला डालेंगे फिर बाजू डालेंगे फिर पल्ला डालेंगे मतलब एक बाजू एक पल्ला एक बाजू एक पल्ला इस तरीके से और आप पहले पल्ला भी डाल सकते हैं फिर बाजू डाल सकते हैं फिर पल्ला फिर लास्ट में बाजू इस तरीके से तो रेगुलर शेप में है ये स्वेटर थोड़ा सा हाई नेक बनाऊंगी इसका तो हाई नेक बनाने के लिए लंबाई थोड़ी सी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी तो आप लंबाई कर सकते हैं आप ज़्यादा जितनी आपने करनी है तो मैं इसको सिलाई को पूरी को निकाल दूंगी तो देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पे सीधा फंदा आएगा सेवेंटी सिक्स में आप एक सीधा एक उल्टा बनाओगे मैंने स्टार्टिंग में उल्टा बनाया था मतलब उतारा था तो लास्ट में हमारा सीधा फंदा आया अब देखिए सीधे फंदे को हमने इस तरफ क्या करना है इस सीधे फंदे को हमने उतार लेना है ऐसे और धागा पीछे करके अगले फंदे को सीधा बनाना है क्योंकि उस तरफ ये सीधा बना था इस तरफ उतार लिया उल्टा तो ये सीधा अगला और ये उल्टा ये सीधा और ये उल्टा बस आपने इसी तरीके से बॉर्डर बनाते जाना है तो मैं बॉर्डर की इसी तरह से दो दो सॉरी सीधी और उल्टी सिलाई में आप एक सीधा एक उल्टा बनाते जाएंगे और मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ मुझे जितनी लंबाई अच्छी मतलब अच्छी लगी पाँच जो भी चार पाँच इंच के करीब क्योंकि बच्चे का स्वेटर है तो इतनी ज़्यादा तो नहीं रखूँगी तो मैं ये लंबाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना बनाया है इसको देखिए एक सीधा और आगे धागा करके एक उल्टा एक धागा एक सॉरी सीधा एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा अब हम एक ही कलर से बनाएंगे ये देखिए तो चलिए मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना गला बना लिया है स्वेटर का और जो मेरे सेवेंटी सिक्स फंदे थे मतलब छिहत्तर फंदे थे पचहत्तर और छिहत्तर छिहत्तर फंदों को मैंने एक सीधा एक उल्टा बना लिया और जो मैंने यहाँ पे लंबाई रखी है देखिए गले की वो मैं आपको बता देती हूँ देखिए इस तरह से इस तरह चार इंच के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लंबाई रखी है देखिए ये देखिए यहाँ से नीचे तक चार इंच के अकॉर्डिंग तो मैंने ये चार इंच तक बनाया है अगर आप इसकी पाँच छः इंच लंबाई रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चे को ज़्यादा बड़ा हाई नेक नहीं बनाएंगे मेरे हिसाब से तो मैं नहीं बनाऊँगी तो मैं चार इंच तक बना लिया है बाकी उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसी छिहत्तर फंदों को आप एक दो इंच तक बना सकते हैं तो देखिए उल्टी सिलाई की तरफ आ गई हूँ यहाँ पे उल्टी सिलाई तो देखिए हमने इन सारे फंदों को दो का एक और दो का एक करते जाना है सारे फंदों को हमने इस तरह से दो का एक और थोड़े से ढीले हाथ से आपने इनको घटाना है क्योंकि बच्चों के सिर बड़े होते हैं जिनके कारण अगर टाइट घटाएंगे आप तो कई बार सिर में भी गला नहीं आता वैसे तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर लेकिन फिर भी आप लास्ट में थोड़ा ढीला घटाइए और दो का एक दो का एक करते इसी तरह से आपने सारे फंदे घटा देने इस तरह से दो का एक और दो का एक ये फंदा इसके ऊपर चढ़ाएंगे और दो का एक तो इसी तरह से मैं सारे फंदे बंद कर दूँगी तो देखिए अब लास्ट में दो तीन फंदे रह गए इनको भी दो का एक और दो का एक कर देंगे और बिल्कुल ढीले हाथ से आपने घटाना है क्योंकि छोटे बच्चों के सिर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए गलों की तो इस तरह से इसके अंदर डाल के हमने गोले वाला धागा और इसको गांठ लगा देंगे ऐसे और ये देखिए अभी तो आपको ये ढीला ढीला दिखाई दे रहा होगा ऐसे लेकिन जब ऐसे आप करेंगे तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है देखिए हमारा गला तो बन गया अब हम क्या करेंगे देखिए इसको सीधा करके मैं ऐसे दिखाऊंगी आपको ये देखिए पल्लों से पल्ले मिलेंगे ऐसे ये देखिए पल्लों से पल्ले मिलेंगे ऐसे और बाजू से आपने यहाँ से यहाँ ये यह आगे वाले पल्ले की इस बाजू से करनी है सिलाई इस वाले पल्ले की इससे करनी है और पीछे से देख लीजिए पीछे से ऐसे करनी है इस तरह से और फिर उससे बाद बाजू की पूरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक नीचे होएगी तो मैं आपको थोड़ी सी सिलाई करके दिखा देती हूँ कि आपने किस तरीके से करनी है तो गले से ही बता देती हूँ कि गले में से रसोई में धागा डाल लेंगे यही वाला गले वाला धागा जो बचा हुआ है वही मैंने डाला है और उल्टा करके इसको ऐसे उल्टा करके इसको इस तरीके से उल्टा उल्टा मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तो सबसे पहले तो इसी की हम सिलाई करेंगे ये वाला हिस्सा इस तरीके से इसको अच्छी तरह से आपने यहाँ पे सिल लेना है इस तरह से और देखिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है गले में ऐसे कर लिया आपने और अब ऐसे लूप डालिए और पीछे से ऐसे निकालिए आगे ऐसे डालिए और इस तरीके से छोटा छोटा मतलब बिल्कुल छोटी छोटी सिलाई कीजिए इस तरह से यहाँ से डालिए और यहाँ से इस तरफ से निकालिए तो ऐसे ही गले की पूरे की आपने यहाँ तक सिलाई कर लेनी है तो देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है अब देखिए मैं इसको सीधा कर लूँगी इस तरीके से इसको मतलब इसको इस तरह पलट लूँगी क्योंकि अब हमने जो यहाँ से सिलाई करनी है यहाँ तक इन मोंडो की सिलाई करनी है ना यहाँ से यहाँ तक तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं इसको ऐसा नहीं है कि ऊपर से नहीं कर सकते गले की तो मैंने नीचे से करके दिखा दी आप लोगों को और ये गला इस तरह से आ जाएगा देखिए इस तरह से और जब खींचेंगे इसको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है अगर साइज़ के हिसाब से दिखाती हूँ तो देखिए ये देखिए अठारह इंच के अकॉर्डिंग बच्चे की गले की ये आ जाएगी क्योंकि बच्चों को गला थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी कंफर्टेबल ही चाहिए तो देखिए इस तरह से हम ये रखेंगे और यहाँ से आप एक फंदा इस तरफ से लीजिए एक लूप और एक लूप आप इस तरफ से लीजिए तो इस तरीके से आप इस तरफ़ की वो करोगे सिलाई यहाँ से यहाँ यह देखिए और यहाँ से ध्यान से देख लीजिए एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको देखिए ये जो ये देखिए ये दो हैं तो इनको इस तरह से ले लेंगे और इस तरफ़ के दो हैं इनको ऐसे ले लेंगे ये इसके अंदर से ये देखिए इस तरफ के ये देखिए एक जूम करके दिखा देती हूँ मैं चलिए ये देखिए जो हमने एक फंदा रखा था ना जब हमने घटाना शुरू किया था तो वो फंदा इसीलिए रखा था ताकि उसमें से हम सुई निकाल सकें ऐसे ये देखिए इस तरह से और यहाँ से तो बस आपने इन दोनों को यहाँ तक ऐसे ही सिलाई करते जाना है ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई उसी तरीके से कर ली है इस तरफ की अब देखिए हमें इसको बाजू को इस तरीके से रखना है उस तरफ की तो हमारी पिछली साइड की सिलाई होगी है अब यहाँ पे आ गए हैं हम ये देखिए यहाँ आ गए हैं तो हम क्या करेंगे ये दोनों पल्ले मिला के इस तरह से ये मिला के और हम जहाँ देखेंगे कि हमने कहाँ से कटिंग शुरू हुई है हमारी जहाँ भी कटिंग शुरू हुई है वहाँ पे इसको मिला के और इसको भी ऊपर तक सिलाई कर देंगे तो इसी तरीके से आपने ये देखिए यहाँ से यहाँ और ये वाला भी यहाँ से जहाँ से भी आपने घटाया है यहाँ से यहाँ इस तरीके से तो ये हमारे दोनों इस तरह से हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ मिला के आपने चाहे आप अलग अलग भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं कर सकते तो इस तरीके से आप दोनों तरफ से ऐसे इस तरीके से एक एक लूप दोनों तरफ से लेते जाइए और इस तरह से इसको जोड़ते जाइए कि मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है और चारों पल्लों की मैंने ऐसे सिलाई कर ली है दोनों तरफ से सिलाई करने के बाद अब देखिए हमने इस तरफ की सिलाई करनी है जैसे ये की हुई है ना इसी तरीके से इधर की करनी है तो इनकी सिलाई तो मैंने आपको बता दी कि आपने कैसे करनी है जो ये पल्ले हैं इनकी सिलाई आप किस तरह से करोगे वो थोड़ा सा देख लीजिए चाहे तो आप बाजू से पहले कर लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए चाहे आप यहाँ से और पूरी सिलाई आपने इस तरीके से कर लेनी है जैसे मैं बताऊंगी सेम उस आपने दोनों पल्लों की सिलाई कर लेनी है तो देखिए हमने यहाँ से उल्टा करके इनको दोनों को ये देखिए और यहाँ से सुई डाल देंगे यहाँ से और यहाँ से डाल देंगे। ये पहला नोट ऐसे इसको हम लगा देंगे यहाँ पे नोट लगाएंगे पहले सिलाई करने से पहले हम नोट लगाएंगे यहाँ दोनों तरफ ऐसे नोट लगाने के बाद आपने यहाँ से दोबारा सुई निकाल लेनी है ऐसे पक्का कर लेना है इस धागे को ऊपर रख लेना है और अब आपने पीछे से सुई डाल के ऐसे यहाँ पीछे से डाल लेंगे ऐसे और जहाँ आपका धागा निकला है उससे आगे थोड़ा सा सुई निकाल लेंगे इस तरह से ऐसे जैसे हमने गले की सिलाई की है सेम वैसे ही करनी है पल्लों की भी बस आपको रेगुलन शेप में अलग सिलाई करनी थी इस तरीके से और इस धागे को आप बाद में सुई के साथ ही इसको अंदर डाल दीजिए कहीं फिनिशिंग कर दीजिए इसकी इस तरीके से ये देखिए और इस तरीके से ऐसे सिलाई पूरी कंप्लीट कर लीजिए ऐसे और इस तरफ आप ज़्यादा ज़्यादा मत लीजिए सिर्फ एक एक जो किनारी पे एक, एक फली सी बनी होती है वो छोड़ दीजिए बाकी आप इस तरह से सिलाई कीजिए पीछे की तरफ से सुई डालनी है और आगे निकालनी है ये यह देखिए यहाँ से डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे देखिए इसी तरह हमने पूरे पल्लों की सिलाई कर लेनी है दोनों की इसी तरह से कर लेंगे और जो भी आपके धागे बचे हुए हैं देखिए बहुत से धागे हमने यहाँ पे बचा रखे हैं तो हमने क्या करना है इन धागों को देख लीजिए थोड़ा सा इन धागों को ऐसे सुई में डालिए इस तरह से सुई में डाल के आपने काटना नहीं है इन धागों को क्योंकि कई बार स्वेटर उधड़ जाता है तो इस तरह से हम इसको छोटे छोटे टांकों में उठा के ऐसे टांकों में उठा लेंगे इनको एक एक टांका उठाते जाएंगे और इस धागे को सुई के साथ आगे कर देंगे ऐसे ऐसे खींच लेंगे और जो थोड़ा सा बचा है अगर लंबा है तो ठीक है वरना आप इसको लंबे को काट दीजिए और इस तरह से हर एक जो भी आपके धागे बचे हैं इस तरह से फिनिश कर दीजिए तो चलिए मैं सारे की सिलाई करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ तो देखिए इसका फाइनल लुक ये आ रहा है और हमारा स्वेटर बन के बहुत ही अच्छा बना है तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू